और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। 2024 के आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन 24 का ऊंट किस करवट बैठेगा इसे लेकर विपक्षी दल अलर्ट पर हैं। कर्नाटक में बंपर जीत के बाद कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंट है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक के बाद एमपी में वो कम से कम 150 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस को लगने लगा है कि 2024 में दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना उसके साथ के बिना मुमकिन है ही नहीं। वैसे बीजेपी विरोधी दलों को साथ जोड़ने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में दौड़ लगा रहे हैं। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक है जिसमें कांग्रेस समेत 15 से 20 पार्टियां शामिल हो सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के नाम पर अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की क्षेत्रीय पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन किसके मन में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं। हर कोई इसी उम्मीद में है कि 2024 में उनकी किस्मत का लड्डू फूटे और दिल्ली की सत्ता हाथ लगे। इस सबके बीच सत्ताधारी बीजेपी ने भी अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी को कर्नाटक हार का सदमा लगा है, लेकिन इससे इतर पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री अभी से 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। कल ही पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 5 घंटे तक बैठक की, जबकि आज सरकार के 9 मंत्रियों ने अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 9 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे 9 साल में जनता से लूट बताया है, तो वहीं जेडीयू का कहना है कि मोदी सरकार के कामकाज के तरीके ने देश के तनाव में डाल दिया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि 9 साल पूरे होने के बाद सरकार अब 10 नंबर ही हो गई है। सवाल लौट फिर घूम फिर कर वहीं आ रहा है, क्या 2024 के लिए विपक्ष की जुगलबंदी कुछ गुल खिलाएगी या 10 साल के कामकाज के बलबूते मोदी एक बार फिर बनेंगे चैंपियन। करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले अभी तक का अपडेट। बीते 9 वर्षों की ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जिनके बारे में पहले कल्पना करना भी मुश्किल था। 9 साल पूरे हो गए, इसका मतलब 10 नंबर ही हो गई सरकार। क्या उपलब्धि है सरकार की? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 9 साल के अंदर जितना काम हुआ वो 70 साल के अंदर नहीं हुआ है। बैठ के आंकलन करिए, आपको पता चल जाएगा। 2014 से पहले के दशक में इतिहास के घोटालों के हर रिकॉर्ड टूट गए थे। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। आज कोई भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देखने का तो साहस नहीं कर सकता। आज़ादी से 2014 तक भारत में केवल 74 एयरपोर्ट स्थापित हुए थे। 74 अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्थापित हो चुके हैं, तो वो नंबर हमने डबल कर दिया। मोदी जी ने 3.5 करोड़ पक्के मकान मात्र 9 साल में बनाकर दे दिए। 3.5 करोड़ पक्के मकान। भारत के संविधान के प्रति कौन सा काम इन लोगों ने किया है? 8 लाख लगभग रोजगार दे पाए आप केंद्रीय सेवाओं में, आपकी स्थिति यही है ना? आपने इस देश को सामाजिक तनाव में डाल दिया। स्वाभिमान और वैश्विक पहचान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने और उन्होंने किया। तो क्या वाकई सरकार 10 नंबर ही हो गई है? चर्चा इसी पर करेंगे और इसी के लिए कई सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता और तेज सर्रार धाकड़ वक्ता अभय दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आरजेडी की तरफ से डॉक्टर अमर किशोर जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट और बीजेपी के समर्थक के तौर पर मेरे साथ शिवम त्यागी जी जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे, 10 नंबर ही हो गई सरकार, ये कहना है अखिलेश जी का? जी देखिए, जो 10 नंबर ये 10 नंबर ही रहे हैं जीवन भर, जिनकी पार्टी एक बलात्कारी की स्मृति में सैफई महोत्सव मनाती रही है, जिनकी पार्टी बलात्कारियों के बलात्कार को
लड़कियों की छोटी सी गलती मानती रही है, जिसकी पार्टी एक बलात्कारी गायत्री प्रजापति को अपना पोस्टर बॉय मानती है, वो तो दस नंबर ही कहेंगे, लेकिन जो भारत की जनता है वो दस में से दस नंबर दे रही है। उसका कारण है, जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बताया, आप कृपा करके बताइए ना, आप कल्पना कर सकते थे, भाई दीपक जी आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, जिस देश में लाल गेहूं आयात किया जाता रहा हो, उस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने 80 करोड़ जनता को पूरे कोविड काल में और कोविड काल से उबरने के काल में भी 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया। ये महामारियों का इतिहास रहा है कि जब महामारी हुई, महामारी की तुलना में लोगों की मृत्यु भुखमरी से ज्यादा हुई। अकेली महामारी है जब एक व्यक्ति भूख से नहीं मरा, तो जो रोटी कपड़ा और मकान की गारंटी महात्मा गांधी जिस राम राज्य की संकल्पना देकर लाए थे और 70 वर्षों तक चला गया इस देश को, उस देश को 11.78 करोड़ घरों में हर घर नल से जल, 3.80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त के मकान, 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घरों पहली बार बिजली, ऐसे हाउस होल्ड से जिनके घर में पहली बार बिजली पहुंची, 11.5 करोड़ लोग ऐसे जिनके घर में शौचालय का निर्माण हुआ, 25 लाख करोड़ रुपए जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो 85 पैसे रुपए में से राजीव गांधी के जमाने में खा जाया करते थे और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले यूपीए में के कार्यकाल में तो 100 के 100 पैसे खा लिए, पेंटिंग के भी 2 करोड़ की वसूली हो गई। तो ऐसे कार्यकाल की तुलना में एक ऐसा कार्यकाल जिसने गरीब को, महिलाओं को कोविड काल में 20 करोड़ महिलाओं के खाते में नकद राशि गई, उनका सशक्तिकरण हुआ, मुद्रा लोन में जो है सबसे अधिक महिलाओं को और पिछड़ी जाति के लोगों को मिला, स्किल इंडिया में पिछड़ी जाति और एससी एसटी के लोगों को विशेष सहयोग दिया गया, स्वयं को, और जो रोजगार की बात कर रहे हैं, आपने बाइट दिखाई नीरज जी की, आप मुझे कृपा करके दीपक जी अपने पत्रकारी करियर का वो वर्ष बताइए जब 1.39 करोड़ लोग ईपीएफओ में रजिस्टर हुए हों। किसी एम्प्लॉई को ईपीएफओ में तब रजिस्टर किया जाता है जब उसका एम्प्लॉयर उसके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति बिना कंट्रीब्यूशन के किसी का ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन तो कराएगा नहीं। एक वर्ष 1952 से 2014 का एक वर्ष मुझे कृपा करके जो बहुत जो है सांख्यिकी के ज्ञाता है अभय दुबे जी बता दें। ठीक है, ठीक है, अभय दुबे जी सांख्यिकी के ज्ञाता, आपको बताया आपने 9 साल 9 सवाल करे, मैं आपसे एक बार जानना चाहता हूं, ये कह रहे कि हम तो 10 नंबर ही नहीं है, 10 में से 10 लेकर पास हुए हैं, तो कल एक प्रवक्ता जो है वो बीजेपी की तरफ बोलते हैं, उनका ये कहना था देखिए सर 9 सवाल ही पूछ पा रहे हैं तो 91 नंबर तो आपने इनको दे दिए, क्या ऐसा है क्या अभय दुबे जी? मुझको 9 साल जब प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को हुए भारतीय जनता पार्टी के, तो याद आया कि 2014 के पहले जब मोदी जी आए थे तो एक कैंपेन चलाया था, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 9 साल में हम मूल्यांकन करते हैं तो देश की महिलाओं के महंगाई भरे दिन परोस दिए गए, देश के युवाओं को बेरोजगारी भरे दिन परोस दिए गए, देश के उद्योग व्यवसाय के मंदी भरे दिन आए, देश की संवैधानिक संस्थाओं के दमन भरे दिन आए, देश के किसानों के दुख और दर्द भरे दिन आए, देश की सीमाओं के असुरक्षा भरे दिन आए, फिर अच्छे दिन किसके आए? जनता लेकर आई थी मोदी जी को, तो अच्छे दिन आए सिर्फ चंद धन्ना सेठों के, अपने नीरव भाई के, अपने मेहुल चौकसी के, अपने विजय माल्या के, और 2 धन्ना सेठों के जिनकी 12 लाख करोड़ रुपए नेटवर्थ हो गई अडानी जी की, इन लोगों के अच्छे दिन आए। प्रधानमंत्री जी ने बरेली की रैली में वादा किया था कि किसान साथियों आपकी आमदनी 2 गुनी कर दूंगा 2022 तक। मोदी जी का एनएसएसओ ने बताया कि किसानों की आमदनी, औसत आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दीजिए, आपने कहा विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना लेकर आ रहा हूं, गुजरात प्रांत ने क्यों वो योजना बंद कर दी? 6 प्रदेशों ने उस योजना पर ताला लगा दिया क्योंकि 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा निजी कंपनियों को हुआ। प्रधानमंत्री जी आपने कहा पीएम आशा योजना लेकर आ रहे हैं, जब भी किसानों की फसलों के दाम कम होंगे सरकार उसका भुगतान करेगी। 500 करोड़ का बजट रखा, 1 रुपया खर्च नहीं किया
आपको जानकर दीपक जी आश्चर्य होगा, और इस वर्ष 1,00,000 रुपए रखा। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कहा कि 4 साल में 78,000 करोड़ रुपए कृषि मंत्रालय ने सरेंडर कर दिए, खर्च ही नहीं किए गए। प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री जी देश को इस बात का जवाब दीजिए कि 25,000 रुपए हेक्टेयर किसानों की खेती की लागत बढ़ गई, किसका दोष है? आप आए, आते ही आपने किसानों का 150 रुपए का बोनस गेहूं और चावल पर बंद करा दिया। अर्थव्यवस्था का हाल जान लीजिए संक्षिप्त में। नोटबंदी की का प्रहार इतना भयावह किया आपने देश की जनता के साथ कि 60,00,000 MSME तो परमानेंट बंद हो गए। मत मानिए कांग्रेस की बात, आरबीआई की मेन स्ट्रीट मेमो रिपोर्ट नंबर 13 पढ़ लीजिए। वो कह रही है कि गलत नोटबंदी के और जीएसटी के गलत तरीके से लगाने से देश के एमएसएमई पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा। आपने चीन से $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया, ये भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने कहा उसके कारण हमारे एमएसएमई तबाह हो गए। आपने भारत की सीमा की सुरक्षा की बात की, प्रधानमंत्री जी चीन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर बैठा है। कॉन्चेक स्टेन जी जो मंत्री हैं वहां के लद्दाख के, वो कह रहे हैं कि जो 50 वर्षों से पोस्ट हमारे पास थी पेट्रोलिंग पॉइंट 16, वहां चीन ने नया बफर जोन बना दिया, फिंगर 4 से फिंगर 8 तक नया बफर जोन बना दिया। दौलत बे गोल्डी जो विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप हिंदुस्तान की थी, उसके नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 11, 12, 13 ने चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। आपका तापिर गांव अरुणाचल प्रदेश में कह रहा है कि चीन की सेना 40-40 किलोमीटर अंदर घुस रही है, उसने 100 घरों का एक गांव बना लिया, उसने भूटान में एक गांव बना लिया, उसने भूटान के साथ 3-स्टेप एग्रीमेंट कर लिया, नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन कर लिया, इकोनॉमिक कॉरिडोर वो पाकिस्तान के साथ भारत की भूमि पर, जो भारत का अधिकृत हिस्सा है कश्मीर का, उस पर बना रहा है। प्रधानमंत्री जी हम्मन टोटा में श्रीलंका का 100 वर्ष के लिए उसने पोर्ट ले लिया। प्रधानमंत्री जी चारों तरफ से हम घिरे, लेकिन आप कहते हैं ना वहां कोई आया है ना वहां कोई घुसा है। संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति यह है कि उसका लगातार दमन किया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सर्वोच्च अदालत के जज न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने देश के लोगों से कहा कि लोकतंत्र को बचा लीजिए। यह आपके 8 साल का कार्यकाल है प्रधानमंत्री जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोविड के क्राइसिस, आपने कहा था आप अवसर आपदा में अवसर ढूंढिए, क्या किया? एक के बाद एक 3 कृषि के क्रूर काले कानून उस समय लेकर आए। 40 लाख लोगों को आपके कोविड के मिसमैनेजमेंट की वजह से हिंदुस्तान में जान गंवानी पड़ी। ऑक्सीजन मैपिंग तक आपने नहीं की प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी उस समय 12 करोड़ लोगों ने रोजगार से हाथ धो लिया, 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई प्रधानमंत्री जी, और उसी कार्यकाल के दौरान 142 लोगों ने 30,00,000 करोड़ रुपए कमा लिए। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही, हम नहीं कह रहे प्रधानमंत्री जी, ये आपकी अर्थव्यवस्था को गर्त में डालने के प्रमाण इस देश में मिलते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने जन कल्याणकारी योजनाओं की बात की अभी मेरे भाई प्रेम शुक्ला जी ने, अरे 100 रुपए का अनाज प्रधानमंत्री जी, एक महीने में 5 किलो अनाज कितने का होता है बताइए, और उसके एवज में क्या ले लिया? 400 रुपए का गैस का सिलेंडर आपने 1,000 के पार कर दिया, 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल आपने 100 रुपए के पार कर दिया प्रधानमंत्री जी, 60 और 70 रुपए की खाने का दाल और तेल वो 200 रुपए के पार कर दिया, किसको ये लाभ पहुंचाया गया? मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं दीपक चौरसिया जी, एक खेल बहुत बड़ा हो रहा है, ये क्रूड ऑयल आ रहा है रशिया से। ये कहते थे कि प्रधानमंत्री जी वैश्विक नेता है, रशिया से क्रूड ऑयल आ रहा है सस्ता, कौन मंगा रहा है वो? कौन प्राइवेट प्लेयर्स मंगा रहे हैं? वो अपनी रिफाइनरी में रिफाइन कर रहे हैं और यूरोपीय यूनियन को बेचकर मोटा माल कमा रहे हैं, हिंदुस्तान के नागरिकों को एक पैसे का लाभ नहीं मिला। ये कहते थे कि अमेरिका से प्रधानमंत्री जी ट्रंप से गले मिले, तो आप बताइए जो जीएसपी था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, 2,000 आइटम हम एक्सपोर्ट करते थे चाइना को ड्यूटी फ्री, ट्रंप साहब गले मिले, 70 के दशक के उस कानून को खत्म कर दिया, अब जो हमारा ट्रेड प्लस पार्टनर अमेरिका था उसमें हमको सारी इंपोर्ट ड्यूटी वहां चुकानी पड़ी। वो पेरिस कन्वेंशन से बाहर हो गया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली मोदी जी के जाने के पहले, 10 सेकंड सिर्फ और दीजिए, उन्होंने कहा इंडिया इन चाइना ईटिंग अवर लंच, और उसने पेरिस कन्वेंशन से अपने आप को बाहर कर दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया में गए थे बॉस प्रधानमंत्री जी, मुझे भी खुशी हुई कि बॉस कहकर संबोधित करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी भारत में आए और ऑस्ट्रेलिया ने निर्णय लिया कि भारत के 5 राज्यों के छात्रों को हम वहां पढ़ने की अनुमति नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ ये फोटो अपॉर्चुनिटी का काम बंद होना चाहिए, देश को क्या लाभ मिला और इसका सिलसिलेवार जवाब भी हमारे। ठीक है, अब आपने दोनों ने पेट भर भर के अपनी बात कह ली, अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, तर्क हम छोटे छोटे रखे, चार ही गेस्ट है मेरे पास, भरपूर मौका है आपके पास, मैं प्रेम शुक्ला जी मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैंने ईपीएफओ पर जो प्रश्न पूछा, सांख्यिकी विशेषज्ञ यहाँ वहां सब बोल दिए, सारे झूठों का पुलिंदा परोस दिया,
लेकिन सत्य प्रश्न का उत्तर देने में वो असमर्थ रहे। बताइए अबे दुबे जी, बताइए साहब, ईपीएफओ में 1952 से 2014 में किस माह में आपने 50 लाख का भी आंकड़ा क्रॉस किया हो, एक महीना बताइए। अरे साहब 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 सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, हम नहीं कह रहे, ये लेबर मिनिस्ट्री का आपका डेटा है, भारत सरकार की लेबर मिनिस्ट्री, जो आपने छुपा दिया था। पहले रिपोर्ट लीक हुई फिर बाद में मजबूरी में जारी करनी, उसने क्या कहा सुन तो लीजिए, उसने कहा 45 वर्ष की भीषणतम बेरोजगारी, पचास लाख लोग कांग्रेस के कार्यकाल में ईपीएफओ में रजिस्टर हुए, एक महीना बताइए, नहीं है। अरे ईपीएफओ झूठ का पुलिंदा परोसने के अतिरिक्त 30 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी, 30 लाख कोष में बात कर रहे हैं, कुछ उपलब्ध नहीं है, चौथा चना बाजे घना, आपका चौथा चना बाजे घना, जवाब सुनिए आप, चौथा चना आपको सुनना बाजे घना, यही मैं तो बता रहा हूँ सब, आप मैं मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ वहाँ ऐसे वैसे कैसे कैसे आप उत्तर दे रहे हैं। अरे अप्रामाणिक बातें करने के अभ्यस्त हैं आप, मैं तो ईपीएफओ क्या है मुझे बताइए ना, ईपीएफओ में कोई एम्प्लॉई का कब रजिस्ट्रेशन होगा, जब एम्प्लॉयर होगा तो आप कितने बड़े झूठे हैं, देश को कैसे बरगलाते हैं आप झूठे, जिस देश में 1.39 करोड़ लोग अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में रजिस्टर होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अतिरिक्त लोग, उसका आप ही का आंकड़ा बताता है कि 80% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो इसका मतलब है कि रोजगार में वृद्धि हुई है। राहुल गांधी की जॉर्ज सोरोस के चंदे पर पलने वाली मंडली हर पल बेनकाब हो रही है, 1.20 करोड़ हर पल बेनकाब चली गई, सोरोस के चंदे पर पलने वाले चंदा जीवी, चीन के चंदे पर पलने वाले चंदा जीवी, बोफोर्स से लेकर 2G तक घोटाला करने वाले भ्रष्टाचार जीवी, डॉक्टर जाकिर नाइक से जो है चंदा लेने वाले जिहाद जीवी, इन जिहाद जीवियों की अत्यंत दुर्दशा है, अपने दामन की अत्यंत दुर्दशा है। मेरे प्रश्न का उत्तर दे माने में आप असमर्थ रहे, क्योंकि आपका झूठ बेनकाब हुआ, इसलिए आदमी को टिकट दिया आपने घोषित कश्मीर में, कैसे कैसे जैसे तैसे कैसे बचा ले अपने त्वचा को, जिसने राजस्थान में कन्हैया को लाल जी की हत्या की, आप बताइए आतंकवादी भागने लगे, जवाहरलाल नेहरू की कदर के मामले में बड़े स्ट्रांग है, माफी मांगिए मुझे बताइए ना, ईपीएफओ का उन्होंने आंकड़ा रखा है, ईपीएफओ का मतलब मैं बता दूं, चंदा जीवी होने के नाते आप बताइए ना इसकी क्या, ईपीएफओ के बारे में क्या आप बोलिए, ईपीएफओ का आंकड़ा गलत है जो प्रेम शुक्ला जी दे रहे हैं, ये बोल दीजिए। नहीं 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 मैं आपको बताता हूँ, नहीं नहीं टेक्निकल एस्पेक्ट समझ लीजिए उसका, 60 लाख एमएसएमई। अरे सर टेक्निकल कोई नहीं समझ रहा है, यहाँ ये बताइए कि इस आंकड़े का क्या जवाब है। अबे आपको, अरे इस आंकड़े का कोई आधार नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, आप ये बताइए कि जब आपके 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए, 2003 के आंकड़े का आधार नहीं है, तो आपके पौने 2 करोड़ के आंकड़े का आधार है, गजब है प्रेम शुक्ला जी, गजब गजब कहते, देखिए समझिए आप अवधि भाषा में इसको थेथराई कहते हैं, ईपीएफओ का डायरेक्ट प्रभु रामचंद्र जी की भूमि, आपने कहा था अयोध्या की भाषा में, आप माफी मांगे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वादा किया था, 18 करोड़ रोजगार हो जाते हैं, 12 करोड़ रोजगार चीनी और ईपीएफओ के डेटा की बात कर रहे हैं। अच्छा ईपीएफओ चलिए दोनों आप अपने अपने तर्क और सोच लीजिए, मैं बाकी पैनलिस्ट के भी पास चला जाता हूँ और मैं शुरुआत यहाँ पर नवल किशोर जी के साथ करता हूँ। नवल किशोर जी मुझे बताइए, आज आपने एक तस्वीर डाली, मैं चाहता हूँ ट्विटर पर तस्वीर डाली जाए फिर से, जो मैंने दोपहर में एक बार दिखाई थी, अमरीश पुरी और उसके हाथ में एक सिंगोल की तरह एक दंड है और किसी फिल्म का है, अमरीश पुरी एक घोषित खलनायक है, आप उसमें पूछ रहे हैं अभिनेता कौन है पहचानी है और ये फिल्म कौन है ये भी पहचानी है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि विलन है प्रधानमंत्री मोदी जी? देखिए दीपक चौरसिया जी, अगर आप समझना चाहें कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में क्या हुआ किया है तो आप समझ सकते हैं, अगर नहीं समझना चाहें तो आपको बताना पड़ेगा कि जिस तरह का कार्य वो करते रहे हैं या जिस तरह से भाजपा प्रोपेगेंडा करती रही है वो प्रोपेगेंडा तो घातक है, जो जहां पर संसदीय प्रणाली
में संसद सर्वोपरि है, यहाँ पर एक व्यक्ति और एक दल कसम खा लिया है कि वही सर्वोपरि है, एक व्यक्ति ही सर्वोपरि है, सब सत्ताधारी है। लोग जब संसद का आप उद्घाटन करते हैं या इनॉग्रेशन करते हैं तो वहां पे जो संसद का सर्वोच्च पद है उसका अनादर करते हैं, अपमान करते हैं। जब जिस दिन शिलान्यास किया था उस दिन भी किया, जिस दिन उद्घाटन किया उस दिन भी किया। एक व्यक्ति कितना भूखा है इस तरह के लोकप्रियता के लिए जो वो डिजर्व नहीं करता है। लोकतंत्र की रोज उस लोकतंत्र की हत्या होती है जिस लोकतंत्र की वाहवाही किया जाता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जहां विपक्षी दल 20 से ज्यादा विपक्षी दल उसमें शामिल नहीं हुए, 60% से ज्यादा जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसमें शामिल नहीं हुए। वो क्या दर्शाता है? वो यही दर्शाता है कि इनको लोकतंत्र में थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा और झूठ और भ्रम फैलाने में माहिर है। अच्छा, तक मुझे एक बार बताइए, 60% है विपक्षी दल संसद के अंदर, 60% ये कैलकुलेशन कैसे कि आपने बताइए ना, 60% कैसे है लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दल, बताइए। जब आप वोट परसेंटेज सबका काउंट करेंगे, कर लीजिए कितना पड़ेगा, 20 विपक्षी दल कम तो नहीं होता है ना, 20% तो कांग्रेस के पास ही है वोट, और 20 जो मुख्य जो विपक्षी दल है अगर वो उस प्रोसेस में उस इवेंट में नहीं पार्टिसिपेट करता है, इससे क्या संकेत मिलता है? नहीं नहीं, तो आपको नहीं बुलाया, आपको नहीं बुलाया कार्यक्रम में? नहीं नहीं, हाँ बुलाया था, नहीं बुलाया था। अरे बायकॉट करने का मतलब आपको कौन समझाएगा? बायकॉट करने का मतलब अगर आप नहीं समझ पाते हैं, बहिष्कार का मतलब नहीं समझते हैं, जिसका उपयोग देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में इतना महत्वपूर्ण था, गांधीयन मेथड ऑफ प्रोटेस्ट है, तो फिर आपसे क्या बात करना उस इशू पे? सिर्फ आपको यह बताना चाहेंगे कि यह सरकार लगातार जन सरोकार के मुद्दों को हटाकर केवल उन मुद्दों के आधार पे तस्वीर आ गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी अमरीश पुरी की तरह काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? नहीं, ये आपको कैसे रीड करना है, कैसे समझना है वो आप समझिए, हम सिर्फ ये करना चाहते हैं। समझा दीजिए ना सर, मैं नादान बच्चा हूँ, मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझा दीजिए, है क्या मामला? आप ये अमरीश पुरी और किसका नाम और क्या क्या पूछ रही है आरजेडी? आप कितने नादान है वो भाजपा भी जानती है और आरजेडी भी जानती है। इस बात पर चर्चा होनी नहीं होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए जो 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 व्यक्ति और जो दल लगातार झूठ बोलता है, लोगों को बरकलाता है, उसको क्या कहना चाहिए? ठीक है, लगातार झूठ बोलती है बीजेपी, बताइए शिव त्यागी, जवाब दीजिए। लगातार बड़का, मेरे को लालू जी कई बार ये सब बोलते रहे, बड़का झूठी पार्टी। देखिए, बीजेपी लगातार झूठ बोलती रहती है, ऐसा कहना है इनका, और कांग्रेस का कहना है कि जन सरोकार के मुद्दे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 9 साल में कुछ काम हुआ नहीं है, देश असुरक्षित है, अंदर बाहर हर तरीके से असुरक्षा की भावना है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। अभय दुबे जी, आपके लिए ये मतलब आज की शाम मोदी जी के नाम, आप देखिए ना, 2005 में सेंट्रल पार्क में आतंकी हमला, 2006 में मुंबई आतंकी हमला, हनुमान मंदिर ब्लास्ट वाराणसी, 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट, 2008 में फिर 26/11, 2008 में पुणे में हमला, 2010 में दोबारा वाराणसी में हमला, 2011 में फिर से आतंकी हमला, 2013 में हैदराबाद हमला, 2014 के बाद बताइए जरा, कुछ याद आता हो तो आपको। अब बाहरी सुरक्षा पर भी आता हूं, जब इस देश में हमला हुआ तो पलट के सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जब इस देश में फिर से हमला हुआ तो पलट के स्ट्राइक की गई, बताइए अपना कोई इतिहास। अब छोड़ दीजिए, अब थोड़ा जन सरोकार के मुद्दे पर आते हैं। पिछले 63 सालों में आपने इस देश में 74 एयरपोर्ट बनाए, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बता चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के 9 साल में, मोदी जी के 9 साल में उतने ही 74 फिर से ऐड कर दिए, इतने शानदार जनसरोकार के मुद्दे चला रहे थे, और इकोनॉमी अगर इतनी ही वीकर है तो ये पैसा कहां से आ रहा है? कांग्रेस ऑफिस से तो नहीं आ रहा। फिर उसके बाद आगे आ जाइए, अब इंपॉर्टेंट है, इस पर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इस देश में 1,44,530 किलोमीटर रोड बनी है जब से कांग्रेस सरकार 1947 के बाद यह देश आजाद हुआ, और पिछले 9 साल में अप्रोक्सीमेटली 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं, सीजीआरओ की रिपोर्ट के हिसाब से 17% ज्यादा। अगर भारतीय जनता पार्टी जनसरोकार के मुद्दों के काम नहीं कर रही है तो ये सड़कें कहां से बन रही हैं? ठीक है, ऊपर से तो भगवान लेआउट नहीं कर रहा सर, बहुत लंबी लिस्ट है आपको सुनना। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद डिफेंस पर आते हैं, जहां पर इस देश में फ्लोर ऑफ द हाउस, उस समय के डिफेंस मिनिस्टर एके एंटनी जी का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था और बड़ी किरकिरी हुई थी सरकार की, जब इंडिया जो है टसल में चल रहा था चाइना के साथ, तो उन्होंने कह दिया था हमारे पास पैसे ही नहीं है खरीदने के, हम कहां से इतने हथियार खरीदें, हम कहां से आधुनिक चीजें करें। अब हिंदुस्तान और मोदी जी का डेटा सुन लीजिए, उन्होंने क्या किया पिछले 10 साल में, सिर्फ आर्मी को लेकर कर रहा हूं, इंडिया मेड इजरायली
टेवर एक्स 95 राइफल 10,000 करोड़ का, 48,000 करोड़ की डील हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ है, 83 नई तेजस कॉम्बैट फ्लाइट्स हम लेकर आ रहे हैं। इसके बाद 31,000 करोड़ के डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मॉडर्न रेडियो सिस्टम के। फिर इसके बाद इंडियन आर्मी इज गोइंग टू गेट 118 अर्जुन मार्क A1 टैंक्स वर्थ ₹8,400 करोड़। फिर इसके बाद चले जाइए, $200 मिलियन डील है इजरायली स्पाइस बॉम्ब्स की। फिर इसके आगे चले जाइए, इंडियन फर्म्स बैग्स आर्मी 140 करोड़ डील फॉर हाई अल्टीट्यूड यूएवीज। फिर इसके आगे चले जाइए, इंडियन आर्मी ऑन द हंट ऑफ अ न्यू कार्बाइन्स। छोड़ दीजिए, 7 गिनाए हैं अभी, अब डिफेंस से अलग आ जाते हैं थोड़ा सा। अब इन्होंने कहा कि बहुत सारे काम देश की जो है चीजें हैं देश के गरीब के लिए आम आदमी के लिए क्या किया, जितने सरकार 58 साल तो कांग्रेस रही और बाकी और सरकारें, जितने भी मकान है बता दीजिए अभय दुबे जी कितने बनाए नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में, साढ़े तीन करोड़ मकान बनाए, 3.5 करोड़। आप पूरे 58 साल में उतना नहीं बना पाए। 12.5 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, आप पूरे 58 साल में नहीं बना पाए। और सुनिए क्या छोड़कर गए थे, अब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर और आते हैं। इस हिंदुस्तान में जब कांग्रेस गई तो चेन में मग्गा बांध के रखना पड़ता था टॉयलेट का, ऐसा हिंदुस्तान आप देकर गए थे। आज 16 तो ऑपरेशनल तेजस हैं जो सोच नहीं सकते, जिसको दिन रात आप गाली देते हैं। और इसके अलावा आ जाइए, अब आ जाते हैं, ये कब हुआ, ये तब हुआ जब इस दुनिया में सबसे बड़ी महामारी से ये देश गुजर रहा था और ये दुनिया गुजर रही थी। इकोनॉमिक हालात सबके बहुत बुरे, हमारे पड़ोसियों के हालात बहुत बुरे, सबका कोरोना में क्या हाल हुआ दुनिया ने देखा, हमारी ग्रोथ रेट दुनिया ने देखी, हमारा फिस्कल डेफिसिट दुनिया ने देखा। और इसके अलावा इस देश को 200 करोड़ वैक्सीन भी लगाई, दुनिया में भी लगाई। और अगर और तारीफों की आगे मैं बात करूं तो नमस्ते, हाथ जोड़ना, पैर जोड़ना, ऑटोग्राफ करना, ये सब तमाम चीजें इस देश के प्रधानमंत्री के साथ हुई हैं। और एक दूसरी तरफ आपके राहुल गांधी जी भी हैं, जो अलावा इस देश को बाहर जाकर गाली देने के अलावा पिछले 9 साल में कुछ नहीं किए हैं। ये एक छोटी सी झलकी है जो 5 मिनट में खत्म हुई है। अगर आप चाहते हैं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अभय दुबे जी क्या कहेंगे, आपने लिस्ट गिनाई, प्रेम जी ने गिनाई, नवल भाई ने गिनाई, आपको शिवम ने भी गिना दी। पहले तो प्रेम जी ने कहा तो मैंने सोचा चलो इसको चेक कर लिया जाए, ये स्टोरी है बिजनेस स्टैंडर्ड की। न्यू फॉर्मल जॉब क्रिएशन एट 22-month low शोज ईपीएफओ डेटा। वो कह रहे हैं कि ईपीएफओ डेटा से ये पता लगता है कि 22 महीने के सबसे अपने निचले स्तर पर है। वुमेन्स का जो है 2.7% से गिर गया है और मेन्स का 3.7% से गिर गया। अब उस डेटा में नहीं जाता हूँ लेकिन ये स्टोरी है, मैं आपको भेज दूंगा। अभी शिवम ने बताया डिफेंस का, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक जानकर, अरे ये सरकार तो 9 साल की है ना, बीच में बोलने का आदि नहीं हूं, बीच में इन लास्ट 9 इयर्स यू जस्ट पिकिंग अप 22 months, यू आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। आप इनसे बुलवाइए, पढ़ते तो है ही नहीं, क्या कर रहे आप, रहे हो मैं उसी को करेक्ट कर रहा हूं, कह रहे पढ़ते तो है नहीं। अरे भाई आपसे नहीं बहस कर रहा हूं मिस्टर, में दीपक जी से बात कर रहा हूं, आप इंटरवीन नहीं करें, लेकिन डेटा तो सही। प्रेम शुक्ला जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ, अब मुरली मनोहर जोशी जी और खंडूरी साहब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, उन्होंने क्या कहा जानते हैं आप? उन्होंने कहा मोदी सरकार ने विंटेज कैटेगरी में पहुंचा दिए हमारे आर्मामेंट्स, और ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एडिशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने रिपोर्ट में अपना सबमिशन दिया है, उसी आधार पर यह रिपोर्ट बनाई गई कि 58 साल के सबसे अपने निचले स्तर पर डिफेंस का बजट इस सरकार ने कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद सरकार ने कहा है, आप देख लीजिए। तो एग्रीकल्चर और जितने इन्होंने कहा कि डील 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 नहीं, जमीन पर क्या है ये बताइए। आज इससे बड़ी सुरक्षा का मुद्दा कुछ नहीं हो सकता कि चीन हमारी सीमा में घुसकर बैठा है। सब लोग कह रहे हैं 6 अगस्त का डिफेंस की मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट मोदी सरकार ने हटा दिया, जिसमें उसने कहा था यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज कर दिया, चीन आकर घुस गया। अब आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, इनको यह जानना चाहिए कि हुआ क्या इस देश में। मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए कैसे संसाधनों की लूट हुई। दीपक जी आप गूगल कीजिए, हर्ष गोयनका जी का एक ट्वीट मिल जाएगा, 2018 से लगातार ट्वीट कर रहे हैं वो पीएमओ को टैग करके। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी एक्सचेकर की मनी को कैसे लूटा जा रहा है, उसका उदाहरण देखिए। एनसीएलटी में 99% हेयर कट दिया जा रहा है। उदाहरण बताता हूं, जैसे एक कोई शिवा नाम की कंपनी 8,000 करोड़ रुपए से उसने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया, उसको एनसीएलटी में वो केस गया, 98% हेयर कट दे दिया। उनने कहा 8,000 करोड़ की कंपनी को 200-300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं, 5,38,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ।
5,35,000 करोड़ रुपए के हमारे नीरव भाई, विजय माल्या, ऋषि बंधु, संदेशरा बंधु ले लेकर भाग गए। 11,00,000 करोड़ रुपए का आपने राइट ऑफ कर दिया धन्ना सेठों का लोन। आपने 38 शेल कंपनियों का आरोप लगाया एक शॉर्ट सेलर ने। ये क्या कहते थे? अरे साहब शॉर्ट सेलर है वो, तो अरे वो लीगलाइज्ड है। हमारे यहां भी शॉर्ट सेलिंग भारत में भी लीगलाइज बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री जी की सरकार उस समय भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई एक लिफाफा, बंद लिफाफा लेकर, कि नहीं साहब हमारी समिति जांच करेगी। क्यों जांच करेगी आपकी समिति साहब? क्या छुपाना चाहते हो आप? हर काम में यही करोगे? पेगासस तक में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार ने यथोचित सहयोग नहीं किया हमारी जांच कमेटी का। राफेल के निर्णय में इनको एक संशोधन याचिका लगानी पड़ी। 3-4-5 जगह उस फैसले में गलतियां थी। सरकार ने कहा कि हमारे एफिडेविट की वजह से गलतियां हुई, और गलती बड़ी गंभीर थी। अगर वो गलत एफिडेविट नहीं दिया होता तो फैसला कुछ और था। अब आप इनके सरकार की मंशा पर आ जाइए। 12,00,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ उसकी बनी। राहुल गांधी जी ने पूछा, जो ये अभी कह रहे थे कि आप विश्व के बड़े नेता हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, अडानी को क्या लाभ पहुंचाया ये सदन में बताइए। आप श्रीलंका गए, श्रीलंका की पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बयान दिया कि हमको बाध्य किया गया अडानी जी को प्रोजेक्ट देने के लिए, उस पर आपका स्पष्टीकरण क्या है ये बताइए। आपका बांग्लादेश गए, राहुल गांधी जी ने पूछा, तो ये क्या कहलाती है ये चीजें? ये देश को बताना चाहिए। आप उद्योग लगाइए, लेकिन उद्योगपतियों को इस तरह से लाभ पहुंचाकर किसानों को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो ये भीषणतम भ्रष्टाचार पर देश सवाल। ठीक है शिवम, एक क्विक जवाब। देखिए मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक बड़ी शानदार बात कही, उस पर मुझे एक कहावत याद आ गई कि मेरी दादी को अगर मुझे होती तो मैं उनको दादा कहता। कहते हैं अगर ये एफिडेविट नहीं लगाया होता तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ और होता। कमाल की बात है, चैलेंज कीजिए जाकर, चलने दीजिए। अब आगे आते हैं, इन्होंने कहा कि गूगल उठाकर देख लीजिए हर्ष गोयनका जी ने बार बार ट्वीट किया है। मतलब ऐसी मानसिक शिथिलता आ गई है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में कि गूगल करके डेटा निकाल कर देंगे। जो चीज है धरातल पे है भाई, और मैं डेटा कोट कर रहा हूं सीजीआर का, वो बता रहे हैं इस चीज को कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कितना काम किया है। वंदे भारत दिखाने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप लेने की जरूरत नहीं है, सामने है जाकर देख लीजिए, यात्रा कीजिए। कमाल बात हो गई। अब बीच में बोलने की अभी तो आदत नहीं थी और अब लगातार शुरू हो गए। कमाल कर रहे हैं आप। अगर ले ऑफ ट्रेन में चीजें बड़ी हैं तो मुझे उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर रेलवे ट्रैक्स नए बिछाए गए हैं तो मुझे उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। कमाल की बात है। अगर वैक्सीनेशन में हिंदुस्तान ने काम किया है तो मुझे उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर रफेल को मोदी जी लेकर आए हैं तो मुझे उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आप बिल्कुल एकदम फेक साबित हुए, कुछ नहीं कर पाए, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ लीजिए जाकर। अब बैठकर ये कहते रहिए कि ऐसे रिपोर्ट ऐसे लग जाती, वैसे रिपोर्ट ऐसे लग जाती, तो ये हो जाता। ये हुआ नहीं ना। लेकिन अब अंततः मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर का मामला हो, चाहे मकान बनाने का मामला हो, जवाब नहीं दिया, इधर उधर घुमाने लगे। चाहे वो टॉयलेट्स बनाने का मामला हो, चाहे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, चाहे वाटर सप्लाई का मामला हो, चाहे लोकल कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे छोटी रेल चलाने का मामला हो, आप कहीं नहीं ठहरते। और ये बराबरी 58 साल versus 9 साल की है, टू बी प्रिसाइज 65 साल versus 9 साल की है भाई। और आप कहते हैं कि नहीं, ठीक है, और जनता को दिख रहा है, तभी वो जवाब प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। छोटा छोटा रखते हैं, कहां छोटा रखते हैं, बिल्कुल बहुत छोटा सा जवाब दूंगा। 70,000 रुपए देते हैं सिर्फ मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी, कैसी बात। और 40,000 रुपए राज्य सरकार से मिलते हैं सर। आप एक मकान 1,20,000 रुपए में कोई ताकत बनाकर बताइए ना, कोई मैं ताकत हो, तुम्हारा घर कितने पैसे का बनता है बताओ। प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदे और गरीब आदमी 1,20,000 रुपए ऊपर लुट जाएंगे और 15 क्या बात करते हैं। एक रुपया डालेंगे तो एक रुपया पहुंचेगा मकान जिनके बने हुए, जाकर पूछ के आइए। 5 स्टार से निकलना पड़ता है गरीबों की हालत जानने के लिए, पर आप कैसे जानेंगे? अरे क्या, जो 58 साल सत्ता में रहे उनको क्या पता गरीब का घर बनना कैसा होता है? आपने कितने बनाए बताइए जरा। धन्ना सेठ के 58 साल में कितने घर बनाए जरा बताइए, बताइए आप, गूगल कर लीजिए। अरे कितने गाँव है हिंदुस्तान में, कितने घर बनाए बताइए, गाँव कितने हिंदुस्तान में, 58 साल में कितने घर बनाए बताइए। अरे जब गए थे 16,000 तो गांव छोड़कर गए थे जिनमें बिजली नहीं पहुंची थी, 40,000 गांव, और कह रहे हैं कि हमने ये दिया देश को, सिर्फ 17,000 गांव में बिजली, इस देश को सिर्फ बेकारी दी आपने, इस देश को सिर्फ 40,000 गांव में दिया था आप, इस देश को कुछ नहीं दे पाए कि हमने बिजली पहुंचा। कमाल की बात, आप ही के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है ना कि पैसे नहीं है खरीदने के लिए मिसाइल हमारे पास,
आपने बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, सिर्फ कमाल की बात हो गई। 62 के जमाने में जब लड़ाई हो रही थी मेरे देश का वीर सैनिक पीटी शूज पहनकर लड़ाई करने जाता था, क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी इतनी बेकार डिफेंस पॉलिसी थी, सीमा में घुसा हुआ है, कमाल बात हो गई। 2011 का मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड जब राजस्थान में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था कि इस तरह की बातें बढ़ाई नहीं जानी चाहिए, मीडिया को इस पर चुप रहना चाहिए। आज जो भी कुछ होता है सब कुछ रिपोर्ट होता है, पढ़ा लिखा करो देखना एक भी नेता का जवाब नहीं दे रहा है। पढ़ा लिखा मैं कहूं कमाल हो गया, जो कहते थे कि लाल आंख, वो लाल आंख दिखाऊंगा, कैसी लाल आंख दिखा, वो अंदर बैठा है जिस पड़ोसी के यहां लाल हो गया, तब इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में जाकर जो है आपके नेता नेता जाकर तारीफ करते थे पाकिस्तान की और उनसे समर्थन मांगते थे मोदी को हटाने का, उन्हीं को जवाब दिया है। ठीक है, आंखें ही दिखाई है। शिवम रुक जाइए, अभय जी रुक जाइए, रुक जाइए। नवल किशोर जी बहुत देर से हाथ उठाए, नवल किशोर जी फिर प्रेम शुक्ला, नवल किशोर जी बताइए आप, मतलब मुझे आपको बता दीजिए ना, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनता दल को, आरजेडी को अमरीश पुरी नायक के विलन जैसे लगते हैं? देखिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी क्या कहते हैं और भाजपा क्या कहती है आप पता कर सकते हैं उसमें। देखिए ये इतनी दोमुही सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में तो कहती है क्या वो अमरीश पुरी की तरह विलन है? प्रधानमंत्री मोदी जी इतना जवाब दे दीजिए। वो नहीं नहीं ट्वीट से आपको अगर नहीं समझ में आती है तो आपको कितना समझाना पड़ेगा, जो सवाल आप जानना चाहते हैं उस पर सुन तो लीजिए क्यों कहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में कहती है जातीय जनगणना होनी चाहिए, वही देश में कहती है कि जातीय जनगणना नहीं चाहिए। इससे बड़ा साक्ष्य क्या चाहिए उस दोमुही सरकार के लिए जो कि कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ कहती है। सिर्फ वही बात नहीं है, आप जहां तक कहते हैं अवसर की बात, आप इनसे पूछिए कि जब आईएएस की परीक्षा होती है तो लेटरल एंट्री की जरूरत क्या है, लेटरल एंट्री में कौन लोग हैं उनका एक सूची आप दे दीजिए कि कौन लोग आए हैं और कहां से आए हैं, उनका क्या एड्रेस है। तीसरी बात यह है जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप संघवाद को देखें और सत्ता को देखें तो महाराष्ट्र में क्या हुआ आप देख सकते हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं, आप तमाम तरह के उन सारे साक्ष्यों को देख सकते हैं जिससे लगता है कि यह सरकार एक विलेन के रूप में काम कर रही है। और सिर्फ इतना बात आपको बताना चाहता है आरजेडी कि देश में जो हो रहा है वह उसी तरह का काम हो रहा है कि सिर्फ उसे सत्ता चाहिए, सिर्फ उसे सदन चाहिए और एक व्यक्ति एक दल एक संगठन का वर्चस्व चाहिए। यहाँ पर जब 20 से अधिक विपक्षी दल सामने आकर ये कहते हैं कि आपको सर्वोच्च पद पे जो आसीन है, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन को एड्रेस करता है, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनकी भी उपस्थिति होनी चाहिए थी, आप किसे उद्घाटन कराते हैं नहीं कराते हैं ये आपके मनमर्जी से नहीं, जो संवैधानिक परंपरा है, जो संवैधानिक परंपरा है उसके आधार पर होनी चाहिए, इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक आप बात करते हैं विकास की, यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके 20 वित्त मंत्री जाकर 2020 में कहते हैं कि यहां पर 19 लाख रोजगार देंगे, 19 महीना में 19 रोजगार नहीं दे पाए। जब सरकार वहां पर बदलती है और नियुक्ति पत्र बांटना शुरू करती है तो उसका अनुकरण प्रधानमंत्री करते हैं और गृह मंत्री करते हैं और नियुक्ति पत्र बांटना शुरू करते हैं। आप काम की सरकार वाले को निरस्त करके और सिर्फ प्रोपेगेंडिस्ट सरकार को या पार्टी को आप बताना चाहते हैं तो विलेन नहीं तो क्या है आप ही बता दीजिए। ठीक है, विलेन है प्रधानमंत्री ये कहना है, प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे? अब देखिए जिनको जो है चारा चोर नायक लगता हो, विकासवादी व्यक्ति को जो है खलनायक ही लगेगा। ये किस तरह तो जो चारा चोरी में कन्विक्टेड है, जो चारा चोरी में सजा याफ्ता हो, उस जिसका अध्यक्ष चारा चोरी में सजा याफ्ता हो उसको अब देखिए अभी चिल्ला कह रहे हैं चारा भी चबाओगे और चोकरोगे उनकी बात तो सुन लीजिए आप बीच में नहीं प्लीज पूछ लीजिए केवल कि 40% कमीशन वाला। अब चारा चोरों को तो ईमानदार व्यक्ति, चोर को पुलिस हमेशा खलनायक लगती है और गिरोह लोग भ्रष्टाचारी को ईमानदार व्यक्ति हमेशा खलनायक लगता है। अरे तो नहीं है ये पूरा देश। अब मुद्दे की बात जो श्रीमान अभय दुबे कह रहे थे, अभी ईपीएफओ के आंकड़े की बात कर रहे थे साहब, 2000 चिल्लाइए चुकरिए मत भाई यहाँ दीपक जी। अच्छा प्लीज नवल जी, प्लीज नवल जी, सिर्फ प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ प्रेम शुक्ला जी, प्लीज नवल जी। प्रोफेसर सर आप देखिए, अभय दुबे जी सांख्यिकी ज्ञाता आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2014 तक ईपीएफओ में सिर्फ 6.5 करोड़ ऑपरेटिव अकाउंट थे। आप 5 वर्षों में ईपीएफओ का जो डाटा है
उसकी अपडेटिंग नहीं कर पाए थे। 8.5 करोड़ ईपीएफओ के इन ऑपरेटिव अकाउंट को आप अपनी संख्या बताते थे, तो जहां 2014 तक 6.5 करोड़ ऑपरेटिव अकाउंट्स रहे, वहां 1 वर्ष में 1.39 करोड़ अकाउंट जुड़ना, ये बताता है कि भारत में जबरदस्त रोजगार का सृजन हुआ है और लोगों को उसका लाभ हुआ। अब दूसरा, आप महंगाई बार बार कहते हैं, 2004 में पेट्रोल का मूल्य 32 रुपए था, जब आप 2014 में गए हैं तो 76 रुपए पेट्रोल का कीमत करके गए हैं, ऑयल बॉन्ड आप इश्यू करके गए हैं, लाखों करोड़ रुपए जो है जनता के कंधे पर लाद कर गए हैं। मैं यहीं पर रोकूंगा भाई जी, मुझे आपका हाथ दिख रहा है, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा, समय की अपनी एक सीमा होती है, मेरा वक्त पूरा खत्म हो चुका है। अभय जी, इस बहस को एक दिन और आगे ले जाएंगे, बहुत मौके भी आने वाले हैं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए डीएनए रोहित रंजन के साथ।